हेलो फ्यूचर डॉक्टर, कैसे हैं? हाँ, सब लोग आई होप सब आप बहुत ही अच्छे होंगे और बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी हर एक इंडिविजुअल स्टेट के बारे में। यहाँ पर बहुत ही टॉप की आपकी पेशेंट फ्लो देखने को मिलता है, पढ़ाई भी बहुत अच्छी होती है, इवन की जो पासिंग रेशियो काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिलता है। ठीक है, तो जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान स्टेट के बारे में। जो मेडिकल कॉलेज हैं उनका एस्टेब्लिशमेंट ईयर, उसका फीस स्ट्रक्चर कितना रहेगा और वहाँ पर लास्ट ईयर की कितनी का कट ऑफ गई थी। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिएगा, साथ में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और आपको कोई भी काउंसलिंग से रिलेटेड जानकारी चाहिए हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपको पता है कि हम आपके फी नेगोशिएशन में भी हेल्प करते हैं और आपको पूरा काउंसलिंग के थ्रू आपका एडमिशन दिलाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, सो आपको पता है कि जो राजस्थान है उसमें आपका मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन होता है और काफ़ी सारे बच्चे हैं जो ट्राई करते हैं राजस्थान के लिए, क्योंकि वहाँ पर जो फैसिलिटी है और जो यहाँ पर इंफ्रा है, इसके अलावा वहाँ पर जो आपका पेशेंट फ्लो है काफ़ी अच्छा है एज़ कम्पेयर टू अदर स्टेट के। ठीक है, तो जो बच्चे यूपी के हैं, अगर उनका थोड़ा बजट आपका बन पा रहा है तो आप राजस्थान के लिए ट्राई करिए, आपको बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर सीखने को मिलेंगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी हर स्टेट जुड़ी जानकारियाँ आपको यहाँ हमारे चैनल के ऊपर मिलती रहेंगी। और प्लीज़ लाइक कर दें और शेयर जरूर कर दें ताकि आपको बेनिफिट मिले और थोड़ा मुझे भी मोटिवेशन मिले कि हाँ लोग आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए, तो सबसे पहली बात आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो ध्यान रख लेने चाहिए। ठीक है, हम राजस्थान के बारे में बात कर रहे हैं तो राजस्थान में आपको जो टोटल कॉलेजेस हैं वो आपका 35 हैं और आपकी करीबन जो सीट्स हैं ओवरऑल आपकी 5,605 के आसपास यहाँ पर सीट रहने वाली हैं। ठीक है, इसके अलावा जो 35 कॉलेजेस हैं उनमें से आपका 9 कॉलेजेस जो प्राइवेट हैं, बचे हुए जो आपके 26 कॉलेजेस हैं वो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। जो यहाँ के गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनमें आपकी 3 प्रकार की फीस यहाँ पर लगती है। सबसे पहले आपका जो गवर्नमेंट डिसाइडेड फीस है वो लगेगी, सेकंड आपकी फीस है कि उसी कॉलेज में मैनेजमेंट कोटा की सीट है, ठीक है, उसकी फीस, और थर्ड आपका यहाँ पर NRI कोटा भी अवेलेबल है तो उनकी भी फीस यहाँ पर लगती है। ठीक है, तो मैं भी आपको बता रहा हूँ, मान के चलिए आपका जो 50 से 70 हज़ार रुपये पर एनम का जो फीस रहता है वो आपका गवर्नमेंट कोटा का रहता है। इसके अलावा आपका मैनेजमेंट कोटा का 8 से 9 लाख का पर एनम रहता है, और वहीं अगर NRI कोटा की बात करी जाए तो आपको $34,000 पर एनम का यहाँ पर रहता है। ठीक है, तो आपको एक बात का और ध्यान रखना है, जो भी आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं इनके अंदर जो भी मैनेजमेंट कोटा की सीटें हैं उसमें केवल और केवल राजस्थान डोमिसाइल वाले बच्चे ही पार्टिसिपेट करके एडमिशन ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए सेकेंड राउंड और मोपो राउंड जो अदर स्टेट वाले बच्चे हैं उनके लिए खुला रहता है, बाकी जो फर्स्ट राउंड होता है वो पूरा का पूरा आपका राजस्थान के जो बच्चे हैं डोमिसाइल वाले उनके लिए यहाँ पर ओपन रहता है। तो आपको ध्यान रखना, अगर आपको राजस्थान में एडमिशन लेना है तो आपको सेकेंड राउंड में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा या फिर आप मोपो राउंड में एडमिशन कर सकते हैं। हम बात करते हैं कि जो अदर स्टेट के बच्चे हैं वो कैसे यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले ध्यान रखना है कि जो भी आपके प्राइवेट कॉलेजेस हैं वहाँ पर दो प्रकार की सीटें अवेलेबल हैं, एक आपका जनरल सीट और एक आपका जो है मैनेजमेंट सीट, और मैनेजमेंट सीट के थ्रू ही आप राजस्थान के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको एक बात और का ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो कॉलेजेस हैं, ठीक है, आपको काउंसलिंग के एडमिशन के टाइम यहाँ पर बैंक गारंटी की डिमांड करी जाती है, और कई कॉलेजेस में क्या होता है कि एज ए सिक्योरिटी के पर्पज़ से आपसे 2 से 5 लाख रुपये भी यहाँ पर लिया जाता है। ठीक है, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, और बाकी जो भी बच्चे हमारे थ्रू जाते हैं तो उनका बैंक गारंटी वगैरह हम माफ़ करवा देते हैं, तो एक बेनिफिट ये भी है। अबाउट इन्फो आपका राजस्थान के बारे में, हम बात करने वाले हैं उसके कॉलेजेस के बारे में, तो मैं भी आपको आपकी टैप किस में ले चलता हूँ और वहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि उसका लास्ट ईयर कट ऑफ क्या था, कितना बजट रहने वाला है और कब वो उन बने हुए हैं कॉलेजेस। ठीक है, तो काफ़ी जो पुराने कॉलेजेस हैं उनमें काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं और आपका जो पासिंग रेशियो भी काफ़ी अच्छा है, तो हमने जो रैंकिंग कर रखी है वो उसके पास ईयर के, यानी कि जहाँ पर बच्चे अच्छे तरीके से क्वालिफाई कर जाते हैं, ठीक है, एग्ज़ाम को, और कम टाइम में, मतलब अपना एक लिमिटेड टाइम जो रहता है वहाँ पर डिग्री पूरा कर लेते हैं, बैक वगैरह बच्चों की कम आती है, उस बेसिस पर हमने यहाँ पर रैंकिंग कर रखी है। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट हमारा आता है कॉलेज जो कि आपका गीतांजलि आयुर्वेदिक उदयपुर का कॉलेज है, काफ़ी अच्छा कॉलेज है और काफ़ी पुराना कॉलेज है। यहाँ पर जो आपका पासिंग रेशियो काफ़ी अच्छा है इसलिए हमने इसको पहले नंबर पर रखा है। ये उनका खुद का जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, ठीक है, ऑटोनोमस है, ये आपका 2008 में एस्टेब्लिश हुआ था। मैं एक बार पेन चेंज कर लेता हूँ, तो 2008 में एस्टेब्लिश हुआ था। यहाँ पर टोटल सीट 250 हैं और आपका ट्यूशन फीस यहाँ पर जो है जनरल सीट के लिए आपका 21 लाख पर एनम रहता है, वहीं मैनेजमेंट सीट आपका 28 लाख पर एनम रहता है। ठीक है, लास्ट रिकॉर्डों की बात करिए, जनरल कैटेगरी के लिए आपका जनरल सीट के लिए 152 गया था और वहीं मैनेजमेंट कोटा के लिए 139 गया था। ठीक है, सेकेंड कॉलेज की बात करते हैं जो कि हमारा MGM कॉलेज उदयपुर, और इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 2001 में। टोटल सीट्स के अंदर 250 हैं और ट्यूशन फीस यहाँ की 15 लाख पर एनम है जनरल सीट के लिए, और वहीं 26,75,000 यहाँ पर मैनेजमेंट कोटा की फीस है। लास्ट ईयर की बात करी जाए तो 520 नंबर का यहाँ पर जनरल कट ऑफ गया था सीट के लिए और 261 नंबर आपका मैनेजमेंट कोटा का कट ऑफ गया था। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं JNU जयपुर के बारे में जो कि आपका 2015 में एस्टेब्लिश हुआ था। टोटल सीट इसके अंदर 150 हैं और वहीं जनरल कोटा की बात करी जाए फीस की तो आपका 21,60,000 इसकी फीस है और आपका मैनेजमेंट कोटा की फीस 25,50,000 पर एनम रहने वाली है।
लास्ट ईयर कट ऑफ की बात करेंगे तो 137 आपका मैनेजमेंट और जो जनरल सीट है उसका दोनों का ये कट ऑफ है। इसके बाद हम बात करते हैं निम्स जयपुर के बारे में, जो कि आपका इस्टेब्लिश हुआ था 2004 में। यहाँ पर टोटल सीटें 250 और जो आपका ट्यूशन फीस है जनरल कोटा की वो 90 लाख पर एनम है और आपका मैनेजमेंट कोटा की फीस यहाँ पर 21 लाख पर एनम रहने वाली है। लास्ट ईयर कट ऑफ की बात करें तो 116 आपका जनरल कोटे का कट ऑफ गया था और 179 आपका मैनेजमेंट कोटे का कट ऑफ गया था। तो जो भी बच्चे कम मार्क्स वाले हैं वो एक अच्छा कॉलेज देख रहे हैं पढ़ाई के मामले में, पेशेंट फ्लो के मामले में, तो आप इन कॉलेजेस को देख सकते हैं। बहुत ही अच्छे आपको यहाँ पर पेशेंट फ्लो और आपको जो भी इन्वायरमेंट है बहुत ही अच्छा यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, थोड़ा सा बजट हाई है बट आपको एक बेहतर आपको एक फ्यूचर मिलेगा। जो आप 4-5 साल बाद पढ़ के आओगे तो आपको वो चीज़ दिखेगी। ठीक है, इसके बाद ही हमारा नेक्स्ट कॉलेज आता है अमेरिका इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज उदयपुर, और यहाँ पर आपका जो सिलेक्शन ईयर है वो आपका 2016 है और 150 टोटल यहाँ पर सीट्स हैं। जनरल कैटेगरी की सीट आपकी यहाँ पर 18,90,000 है जो कि अब जनरल सीट है और इसके बाद मैनेजमेंट कोटा की फीस यहाँ पर 25 लाख पर एनम रहने वाली है। कट ऑफ की बात करें तो जनरल सीट के लिए 140 लास्ट ईयर कट ऑफ गया था और मैनेजमेंट कोटा के लिए यहाँ पर 157 गया था। इसके बाद हमारा आता है अनंता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज उदयपुर में सिचुएटेड है ये, 2015 में स्टेब्लिश हुआ था। टोटल सीट्स के अंदर 150 हैं। ट्यूशन फीस की बात करिए तो 18,90,000 जो जनरल सीट की है और 24 लाख पर एनम आपका मैनेजमेंट कोटा की फीस है। लास्ट ईयर कट ऑफ की बात करिए तो 159 आपका जनरल सीट के लिए गया था और 155 आपका मैनेजमेंट सीट के लिए गया था। इसके बाद देखिए आता हमारा पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस उदयपुर, और यहाँ पर ये 2014 में स्टेब्लिश हुआ था। टोटल सीट के अंदर 150 है। ट्यूशन फीस की बात करी जाए तो 21 लाख पर एनम यहाँ पर जनरल सीट है और आपका 35 लाख पर एनम आपका मैनेजमेंट की सीट का बजट है वो रहने वाला है। ठीक है, लास्ट रिकॉर्ड ऑफ की बात करी जाए तो 112 नंबर जनरल सीट की गई थी और 107 नंबर आपका मैनेजमेंट का गया था। इसके बाद बात करते हैं पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल उदयपुर के बारे में, 2014 में स्टेब्लिश हुआ था। टोटल सीट्स के अंदर 150 हैं। ट्यूशन फीस की बात करिए जनरल सीट के लिए तो 20,50,000 यहाँ पर है और वहीं मैनेजमेंट कोटा की फीस आपका 23,50,000 पर एनम रहने वाली है। ठीक है, लास्ट रिकॉर्ड ऑफ की बात करी जाए तो जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पर आपकी जो कट ऑफ है जनरल सीट के लिए 111 नंबर गई थी और मैनेजमेंट कोटा से आपका 114 नंबर गया था। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है डॉक्टर एसएस तांतिया मेडिकल कॉलेज गंगानगर में सिचुएट है। ये आपका स्टेब्लिश हुआ था 2021 में। टोटल सीट्स के अंदर 150 हैं और ट्यूशन फीस जनरल सीट के लिए आपकी 19,75,000 है और मैनेजमेंट कोटा की फीस यहाँ पर आपका 26,75,000 पर एनम है। कट ऑफ की बात करी जाए तो जस्ट क्वालिफाइड मार्क्स में यहाँ पर जनरल सीट के लिए 141 और 137 यहाँ पर मैनेजमेंट कोटा के थ्रू हुआ था। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर जो टोटल कॉलेजेस हैं राजस्थान के उनके मैंने आपको फीस स्ट्रक्चर वगैरह सब बता दिए हैं। ठीक है, तो जो भी बच्चे यहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हैं आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर आपको स्क्रीन पर दिया गया है। बाकी कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपकी पूरी सहायता यहाँ पर की जाएगी। ठीक है, सोच लिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।